दोस्तों, क्या आप जानते हो जब आप किसी इंसान से पहली बार मिलते हैं तो उनके दिमाग में आपकी फर्स्ट इम्प्रेशन किस चीज से बनती है? Well, बहुत से लोगों का कहना होता है ड्रेसिंग सेंस, हेल्दी बॉडी, आईज, स्माइल एटसेट्रा। लेकिन मैं आपको बता दूं, फर्स्ट इम्प्रेशन के लिए जो चीज सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है वो है आपका परफेक्ट सिमेट्रिकल फेस लुक। और क्या आप जानते हैं आपके फेस का वो कौन सा पार्ट है जो उसे अट्रैक्टिव और सिमेट्रिक बनाने में हेल्प करता है? इसका जवाब है आपके चीक्स यानी कि गाल। अब आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि गालों का हमारे लुक्स में इतना इम्पोर्टेंट रोल कैसे हो गया, हमने तो आज तक आंखों और मुस्कुराहट पर ही गाने बनते हुए देखे। वेल, अगर आप आईज और स्माइल की बात करें तो नो डाउट कि ये सब भी एक अच्छा इम्प्रेशन क्रिएट करती हैं। लेकिन आपके गाल आपके फेस को रिप्रेजेंट करने में सबसे पहला रोल प्ले करते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर लुक्स की बात की जाए तो आपके चीक्स आपके पूरे फेस को सिमेट्रिकल बनाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, क्योंकि आपका लोअर फेस आपके लुक्स का सबसे बड़ा की अट्रैक्टर होता है, जिसमें आपकी बियर्ड से लेकर आपकी जॉ लाइन सब कुछ ही आपके लुक्स को इनहेंस करती है। अब इन्हें तो आप सब जानते होंगे। जी हाँ, ये हैं हमारे बॉलीवुड के फेमस और परफेक्ट एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं जब इन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा था तब ये ऐसे नहीं दिखते थे, बल्कि कुछ ऐसे दिखते थे। अब अगर आप इनके इस लुक को ध्यान से देखें तो इनके गाल काफी ज्यादा पिचके हुए हैं, जिसकी वजह से इनकी पर्सनालिटी एक कमजोर इंसान की बन गई थी और इन्हें रोल्स भी वैसे ही ऑफर किए गए। लेकिन जब से इन्होंने अपने लोअर फेस यानी कि अपनी चीक मसल को डेवलप किया तो इनका फेस परफेक्टली सिमेट्रिकल बन गया और आज इन्हें विलन से लेकर सपोर्टिंग एक्टर्स जैसे अच्छे रोल्स मिलते हैं, जिसकी वजह से इनकी एक्टिंग की फैन फॉलोइंग ना सिर्फ लड़कियों में बल्कि लड़कों में भी बढ़ती जा रही है। तो देखा दोस्तों आपने, कैसे आपके पिचके हुए गाल आपकी पर्सनैलिटी को खराब कर देते हैं। और अगर आप भी इस प्रॉब्लम से काफी लंबे से परेशान हैं और इस प्रॉब्लम का परफेक्ट और प्रूवन सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपका अपना मिस्टर प्रोटॉन आपके लिए कुछ ऐसे कमाल के टिप्स एंड एक्सरसाइजेस लेकर आया हूं जिन्हें सिर्फ 21 दिनों तक फॉलो करने से आप अपने पिचके हुए गालों को परफेक्टली शेप में लाकर अपने लुक्स को अट्रैक्टिव और अपनी पर्सनालिटी को कॉन्फिडेंट बना पाओगे। साइकोलॉजी बिहाइंड गुड चीक्स। दोस्तों, अक्सर बचपन में जब आप सब कभी न कभी किसी नए इंसान से मिलते थे तो वो सीधा आपके गालों को खींचकर अपना प्यार जताते थे। लेकिन बड़े होते होते ये प्यार जताना तो छोड़ो, मानो लोगों ने आपके लुक्स में आपके गालों को इग्नोर ही कर दिया। ऐसा क्यों? Well, इसका जवाब है आपकी इग्नोरेंस अपने गालों को लेकर। जी हाँ दोस्तों, साइंस के अकॉर्डिंग आपके फेशियल फीचर्स का 30% पार्ट, जैसे आपकी आईज, नोज, ईयर्स, लिप्स, ये सब आपको अपने पेरेंट्स से हेरिडिटी में मिलता है। वहीं आपके 70% फेशियल फीचर्स जैसे आपके चीक्स, टीथ, बियर्ड और आपकी जॉ लाइन, ये सब बाकी बॉडी में टाइम के साथ साथ अपने आप चेंज होते हैं। और अगर आप अपने फेस के 70% पार्ट के किसी भी हिस्से को इग्नोर करोगे तो आपका फेस अगली और डल बन जाएगा, क्योंकि दोस्तों आपके गाल आपके फेस को परफेक्ट शेप देने के साथ साथ आपकी पर्सनालिटी और आपके कैरेक्टर को भी रिप्रेजेंट करते हैं। चलो आपको एक एग्जांपल की मदद से समझाता हूँ। क्या आप इन्हें जानते हैं? Well, हो सकता है आप में से बहुत से लोग इन्हें जानते हो, लेकिन जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि इनका नाम है पीटर डिंकलेज, जो कि हॉलीवुड के काफी जाने माने एक्टर हैं। और इनके फेस लुक से ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ही सीरियस रोल्स करते होंगे। लेकिन एक सेकेंड रुको और अब जरा ये देखो, क्यों आप भी शॉक हो गए ना कि इतनी कम हाइट होने के बाद भी इन्होंने हॉलीवुड के टॉल एक्टर्स को कैसे पीछे छोड़ दिया? Well, इसका जवाब है इनके फेशियल फीचर्स। अगर आप इनके फेस को ध्यान से देखो तो इनके गाल इनके फेस को परफेक्ट शेप दे पा रहे हैं, जिसकी वजह से इनके फेस में वो सारे की अट्रैक्टर्स बन पा रहे हैं जो इनकी एक स्ट्रॉन्ग और डायनामिक पर्सनैलिटी डेवलप करते हैं। और यही रीजन है कि इतनी कम हाइट होने के बावजूद भी ये आज की डेट में हॉलीवुड के लेजेंडरी एक्टर्स में से एक माने जाते हैं। इसके अलावा आपका फेस और आपके चीक्स कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी पे भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके चीक्स अंदर की तरफ धंसे हुए हैं तो लोग आपको कमजोर और थका हुआ समझेंगे। वहीं अगर आपके चीक्स बहुत ज्यादा बाहर निकले हुए हैं और उनमें ढेर सारा फैट जमा हुआ है तो लोग आपको लेजी और बीमार समझेंगे। मतलब दोनों ही केस में आपकी अच्छी पर्सनालिटी नहीं बन पाएगी। लेकिन अगर आप अपने चीक्स को अपने फेस के हिसाब से परफेक्ट शेप में लाकर अपने लुक्स को अट्रैक्टिव और डैशिंग बनाना चाहते हो तो आपको फॉलो करने हैं 4 टिप्स टू बिल्ड परफेक्ट चीक्स। जी हाँ दोस्तों, जैसे आप अपने बॉडी के किसी भी मसल को परफेक्ट शेप में लाने के लिए एक हेल्दी डाइट और एक वर्कआउट रूटीन फॉलो करते हो, ठीक ऐसे ही आपको अपने चीक मसल को डेवलप करने के लिए करना है, जिसमें पहले नंबर पे आता है अवॉइड टी।
अब दोस्तों, हम इंडियंस के लिए चाय एक बहुत ही एसेंशियल ड्रिंक है। कुछ लोग तो चाय को अपनी डे टू डे लाइफ का एनर्जी बूस्टर भी मानते हैं, फिर चाहे वो बारिश का मौसम हो या फिर शाम का स्नैक्स टाइम। हर टाइम हमारे देश में चाय की डिमांड बहुत रहती है। लेकिन 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 दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि अगर यही चाय आप मॉर्निंग में खाली पेट पियेंगे तो ये आपके लिए फायदा नहीं बल्कि आपके पूरे शरीर को बहुत भारी नुकसान पहुंचा सकता है। जी हाँ, सुबह खाली पेट चाय पीने से ना सिर्फ आपका वेट लॉस होना शुरू हो जाता है बल्कि इसका सीधा असर आपके गालों पे भी पड़ता है और वो अंदर की तरफ धंस जाते हैं, क्योंकि चाय में कैफीन होता है जो आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करके आपकी बॉडी को वेट लॉस प्रोसेस में ले जाता है, जिसे आप कभी भी एक हेल्दी और बैलेंस्ड चीक मसल डेवलप नहीं कर पाओगे। इसके अलावा अगर आप चाहो तो रोज सुबह दही में नमक डालकर खा सकते हो या किसी भी डेयरी प्रोडक्ट में सॉल्ट ऐड करके उसे खा सकते हो। सॉल्ट में सोडियम होता है जो आपकी बॉडी में मसल गेनिंग और स्ट्रेंथनिंग का काम करता है। आप चाहो तो बनाना में भी सॉल्ट ऐड करके उसे खा सकते हो। इसमें आपको सॉल्ट के सोडियम के साथ साथ बनाना के अंदर मौजूद मैग्नीशियम के भी फायदे मिलेंगे, जो न सिर्फ आपकी चीक मसल को डेवलप करने में आपकी मदद करेंगे बल्कि आपके फेस पे वाटर रिटेंशन को भी फुलफिल करेंगे, जिसकी वजह से आपके गाल फूले हुए और आपका फेस अट्रैक्टिव दिखेगा। ईट कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन। अगर दोस्तों आपको भी फिल्म स्टार्स की तरह फूले हुए गाल चाहिए तो इसके लिए आपकी बॉडी में प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन का होना बहुत जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, ये सारे फिल्म स्टार्स और सेलिब्रिटीज अपनी डाइट में प्रॉपर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से भरे हुए फूड प्रोडक्ट्स को खाते हैं और आप भी अपनी डाइट में इन्हें ऐड करके अपने लुक्स को इम्प्रूव और अपने चीक मसल को डेवलप कर सकते हो। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि हम तो इन फिल्म स्टार्स जैसी महंगी डाइट प्लान फॉलो नहीं कर सकते, हमारे पास तो इतने पैसे ही नहीं है, तो दोस्तों घबराने की कोई बात नहीं है। अगर आप अपनी डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स ऐड करना चाहते हो तो आप उसके लिए राइस, पोटैटो, ब्रेड और बीन्स जैसे दाल, छोले, राजमा जैसी चीजें ऐड कर सकते हैं। इन सभी फूड प्रोडक्ट से आपको हेल्दी कार्ब्स मिल जाएंगे जो आपके गालों को फुलाने में आपकी काफी मदद करेंगे। इसी के साथ आपकी बॉडी की टोटल कैलोरी इनटेक का 45-65% तक का हिस्सा कार्बोहाइड्रेट्स में जाता है और ये आपकी बॉडी में जेंडर और एक्टिविटी के हिसाब से वेरी भी करता है। अगर आप इसकी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो स्क्रीन पे दिए हुए इस इमेज को स्क्रीनशॉट लेकर रख लो और अपनी डेली एक्टिविटी के हिसाब से कैलोरीज के कंजम्पशन को मॉनिटर करते रहो। इससे ना सिर्फ आपके चीक मसल्स डेवलप होंगे बल्कि आप हेल्दी और कॉन्फिडेंट भी फील कर पाओगे। इसी के साथ अगर आप गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन खाना चाहते हो तो उसके लिए आपको अपनी डाइट में एग, चीज, योगर्ट और आलमंड्स जैसे फूड प्रोडक्ट्स को ऐड करना होगा। ये फूड आइटम्स आपकी बॉडी में प्रोटीन इंटेक को पूरा करेंगे और साथ ही आपके गालों को फुलाने में भी आपकी मदद करेंगे। अब यहाँ तक हमने ये तो पता कर लिया कि कैसे आप अपनी डाइट की मदद से अपने गालों को फुला सकते हो, लेकिन अब बात आती है कि कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस जिनकी मदद से आपको अच्छे रिजल्ट्स जल्द से जल्द मिलना शुरू हो जाएंगे। मीडियम हार्ड म्यूइंग। दोस्तों, हमने अपनी पिछली वीडियोस में आपको बताया था कि कैसे आप म्यूइंग की मदद से अपने फेस को अट्रैक्टिव बना सकते हो, लेकिन अगर आप अपनी चीक मसल को जल्द से जल्द बिल्ड करना चाहते हो तो आपको सॉफ्ट म्यूइंग को अवॉइड करके मीडियम हार्ड म्यूइंग को फॉलो करना होगा। इस एक्सरसाइज को फॉलो करना ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस आपको अपनी जुबान की टिप को अपने दांतों के पीछे टच करना है और जुबान के पीछे का हिस्सा अपने पैलेट से टच करना होता है और पूरा फोर्स ऊपर की तरफ लगाते हुए अपने मुंह को बंद रखना होता है। इसके बाद आपको अपने मुंह का सारा सलाइवा अंदर निगलना होता है और ऐसा तब तक करना होता है जब तक आपके मुंह में पूरी तरह से वैक्यूम ना बन जाए, और ऐसा आपको पूरे दिन में 3-4 बार करना होता है। इस एक्सरसाइज को करने से आपके चीक्स का ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होगा और आपके गाल परफेक्ट शेप में आना शुरू हो जाएंगे, जिसके बाद आप अपने लुक्स में इम्प्रूवमेंट महसूस कर पाओगे। बलून पोज एक्सरसाइज। अगर आप अपने चीक मसल को जल्द से जल्द बिल्ड करने के साथ साथ उन्हें स्ट्रॉन्ग भी बनाना चाहते हो तो उसके लिए आप बलून पोज एक्सरसाइज कर सकते हो। इस एक्सरसाइज में आपको कुछ इस तरह से अपने मुंह को फुला लेना है। ऐसा करने से आपके चीक्स की मसल स्ट्रेच होती है। इसके बाद आपको अपने गालों के अंदर एयर शिफ्टिंग करनी है कुछ इस तरह से। ऐसा करने से आपके गालों का ब्लड सर्कुलेशन सही से काम करेगा। वहीं इसके बाद आपको एक बलून पोज स्माइल बनानी है जो आपके चीक मसल को स्ट्रेंथन करने में आपकी मदद करेंगी, और ऐसा आपको दिन में 5-6 बार करना है। आप चाहो तो ये एक्सरसाइज लगातार भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप 2-2 घंटे के ब्रेक लेकर करोगे तो आपके मसल्स को रिकवरी का टाइम मिल जाएगा, जिससे उनकी ग्रोथ जल्दी होगी और आपके गाल जल्दी फूल जाएंगे, जिसके बाद आप भी एक सेलिब्रिटी लुक बस कुछ ही दिनों में हासिल कर पाओगे। तो दोस्तों, आई होप आपको समझ आया होगा कि आपकी बाकी की बॉडी और फेस कट जितना इम्पोर्टेंट है, ठीक आपके गालों का फूला हुआ होना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो इसके लिए आप इसके पीछे की साइकोलॉजी समझिए और 4 चीजें अपने डेली रूटीन में लाइए। पहला, अवॉइड टी। दूसरा, ईट कार्ब्स एंड प्रोटीन।
तीसरा मीडियम म्यूइंग और आखिरी बलून पोज एक्सरसाइज। ये आपकी ओवरऑल बॉडी और चीक डेवलपमेंट में मदद करेगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे अपने दुबले पतले दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल।